हेलो एवरीवन, विपिन दिस साइड। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीई रेशियो के बारे में। दोस्तों, कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले पीई रेशियो को ध्यान देना पड़ता है। पीई रेशियो कहने का मतलब कि उसी से पता चलता है कि मेरा स्टॉक महंगा है या सस्ता मिल रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पीई रेशियो क्या है और इसे कैसे एनालिसिस करना है। दोस्तों, नंबर वन, किसी भी कंपनी का पीई रेशियो अगर 20 या 20 से कम है तो वो बढ़िया शेयर माना जाता है, ठीक है। दूसरी केस में क्या होता है कि किसी भी कंपनी का पीई रेशियो का चेक करना है तो सबसे पहले उसका इंडस्ट्री पीई को चेक कर लें, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि अगर आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, आपका फार्मा सेक्टर हो गया, कोई भी सेक्टर है, ठीक है, उसका सबसे पहले जो है पीई रेशियो आपका चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जिस कंपनी का शेयर को आप, यानी कि स्टॉक को आप जो है एनालिसिस कर रहे हो, उसका भी पीई रेशियो आपको पता करना है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे विप्रो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। आईटी सेक्टर का जो है अभी पीई चल रहा है 33 पॉइंट कुछ है, ठीक है, एक 33 रख लो। उसके बाद विप्रो का जो है, विप्रो का पीई रेशियो जो है 29 है। अब देखो यहाँ पे इंडस्ट्री पीई जो है 33 यानी कि ज़्यादा है, और उसके बाद इसका जो शेयर का जो है पीई रेशियो वो कम है, 29 है, तो कहीं ना कहीं उसके मुकाबले ये सस्ता है। इंडस्ट्री अगर आपका ज़्यादा ग्रोथ किया है, इंडस्ट्री का पीई रेशियो ज़्यादा है और शेयर का पीई रेशियो कम है, तो कहीं ना कहीं उससे बढ़िया है, ठीक है, ये सस्ता भी मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसके कंपैरिजन मैंने कर दिया इंडस्ट्री से और आपका ये। अब सवाल होता है कि देखो, मार्केट में बहुत सारी स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक क्या होता है कि उसका जो पीई रेशियो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, आप देखे होंगे। एग्जांपल मैं लेता हूँ, बहुत सारे किसी का 70, 80, 90 पी रेशियो मैंने देखा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप समझते होंगे ये तो इसका बहुत ज़्यादा पी रेशियो हाई है, 70, 80 है, 90 है, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये महंगा शेयर है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी मार्केट में लगता है कि ये स्टॉक आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो उसका पी रेशियो ऑटोमेटिक हाई हो जाता है, ठीक है। तो हाई होने का मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक ख़राब है या महंगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैंने एक साल में, अपने पिछले एक साल में मैंने देखा है बहुत से स्टॉक को, ठीक है, वो चीज़ें मैं आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें देख लेना आप, जिस किसी स्टॉक का पी ई रेशियो हाई रहता है, ठीक है, वो जब मार्केट गिरेगा तो सबसे पहले वो गिरता है। जब भी कभी मार्केट में गिरावट आता है तो उस स्टॉक सबसे पहले गिरता है जिस स्टॉक का पीई रेशियो ज़्यादा होता है। आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेना कोई भी स्टॉक लेकर के, और आप देखना कि जब भी कभी मार्केट में गिरावट आई है तो वो स्टॉक गिरा है या नहीं। उसके मुकाबले जिसका पीई रेशियो कम होता है वो बहुत ही कम गिरता है, दोनों गिरता है, वो ज़्यादा गिरता है, ये कम गिरता है, ठीक है। तो ये चीज़ें को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, #कुछ बड़ा करते हैं।